हमारा बेड किस लिए होता है? सोने के लिए बेड होता है, बेड इज मीन फॉर स्लीप। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बेड में जाकर ओवर थिंकिंग करते हैं, सारा दिन का क्लेश कहाँ याद करते हैं, बेड में जाने के बाद। क्या आपकी आदत ऐसी है बेड में जाने के बाद सोचते हो? देखो सोचते हो, तो ये गलत है। बेड में जाने के बाद स्लीप और स्लीप सोना चाहिए। बेड में जाके ओवर थिंकिंग करोगे तो नींद कभी नहीं आएगी। जिनको भी ये प्रॉब्लम है कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो बेड में जब जाते हो, सबसे पहले जाने के बाद बेड में अपने माइंड को रिलैक्स करो। माइंड को रिलैक्स कैसे करोगे, बताती हूँ। पहले आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करना है, हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना है जो भी आज आपके साथ हुआ है। जैसे कि आपको आज का दिन आज अच्छा गया, आपके लोगों ने हेल्प की, आपको आज थेरेपी सेशन मिला, आज आपके पूरे दिन में कुछ बुरा नहीं हुआ, पीने के लिए पानी मिला, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिला, उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। और वो थैंक यू बोलकर अपने माइंड को रिलैक्स करो। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग मैंने सिखाया है आपको, सांस लेना है ऐसे, होल्ड देन आउट, सांस लेना है होल्ड आउट। तो इस तरह से आपको करना है और उसके बाद सो जाना है। लेकिन आप क्या गलती करती हो, ओवर थिंकिंग करती हो, फिर सोती हो, फिर आपको स्लीप में ड्रीम आते हैं, डर जाते हो। तो ये आपको नहीं करना।